अस्सलाम वालेकुम, हम इस वक्त लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन में खड़े हैं अभी यूबिया मार्केट, और आप इस वक्त देख सकते हैं कि मुल्क में शोर किया जा रहा है कि आटे का बहरान है, आटा नहीं मिल रहा। तो ये यूटिलिटी स्टोर है, उसके बाद आटे का पूरा ट्रक खड़ा है और आटा 800 के हिसाब से यहाँ पे मिल रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि फेसबुक पे जाने की बजाय आप मार्केटों में आएँ, खुद आकर देखें, आटा वाफर मकदार में मिल रहा है यहाँ पर। पंजाब में भी ये सूरत हाल है, और आप विज़िट करें, दुकान पे आएँ। और ये यूटिलिटी स्टोर पे फेसबुक पे 1400 का मिल रहा है और ये यूटिलिटी स्टोर पे 800 के हिसाब से मिल रहा है, और ये पूरा ट्रक खड़ा है। भाई से पूछते हैं, अच्छा भाई ये आटा आप कहाँ से लेके आए? ये सर बरकत लाहौर से। तो बकाया भी लाहौर में यही सूरत हाल है, आटा शार्ट वगैरह तो नहीं है? नहीं, इधर भी जा रहे हैं, आटा पड़ा भी हो रहा है, तो काफ़ी कार भी रहे हैं आटा। नहीं, तो ये हम मीडिया पे भी देख रहे हैं कि आटे का बहरान है, आटा नहीं मिल रहा सर। आटा भाई रोड पर जाके देखें, जगह जगह पे गाड़ी खड़ी हुई है, कह रहे हैं ना आटा नहीं मिल रहा है। यकीन करें, सारा दिन खड़े रहते हैं तो आटा ले लोग लेने नहीं आते। नहीं मतलब वो ठीक है, जो हम वो तस्वीरें देख रहे हैं कि ट्रक खड़े हैं, नहीं और कोई बंदा नहीं आ रहा है जी। आटा ठीक जा रहा है, बिल्कुल दुकानों पे सेल हो रहा है, मिल भी रहा है, ये कोई बुरान शरान नहीं है। लोग कह रहे हैं कि बुरान आया हुआ है, हम डेली जा रहे हैं उतारने के। मतलब बंदे नहीं मिल रहे आपको आटा? हाँ जी, लेने वाले नहीं है जी, बेचने वाले तो काफ़ी है ना, काफ़ी खड़े हैं हर जगह। आटे की ब्रांड की वजह से उन्होंने रोडों पे गाड़ी खड़ी कर दी है, कि वहाँ कह रही आटा नहीं मिल रहा, तो रोड से आम आदमी आते हैं। नहीं, वो मीडिया वाले भी बता रहे हैं कि आटा भी थोड़ा थोड़ा किलो मिल रहा है। नहीं नहीं सर, गलत बयानी है, आपके सामने रेट ऊपर लिखा हुआ है, जो गलत बयानी करेगा उसको एक्शन होगा उसको। ठीक है, शुक्रिया। हाँ जी, देखे जी, ये जो आटा ले आ रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि हम सड़कों पर खड़े हैं, आटे के ट्रक हमारे खड़े हैं, लेने वाला कोई नहीं है।